जय माता दी। दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत जो है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में पूजा पाठ करते हैं या व्रत रखते हैं और इस बीच में कभी भी पीरियड्स आ जाता है तो हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर उसी दिन जो है वो पीरियड्स आ जाता तो हमें किस प्रकार से पूजा का जो फल है वो प्राप्त होता है वो भी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ ही साथ अगर आपको पीरियड्स जो है वो आ गया है या आपका एक दो तीन या चार पाँच दिन जो भी चल रहा है तो आपको जो व्रत है वो किस तरीके से करना चाहिए, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ वट सावित्री का व्रत, तो वट सावित्री अमावस्या वाले जो भी माताएं बहनें करती हैं, बरगदाई अमावस बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो वट सावित्री का व्रत जो है वो यूपी बिहार वाली जो भी माताएं बहनें हैं वो अमावस्या वाले दिन करती हैं और ये जो व्रत है ये 19 मई को किया जाएगा। साथ ही साथ महाराष्ट्र वाली जो भी माताएं बहनें हैं उनके यहाँ ये जो व्रत है वो पूर्णिमा वाले दिन किया जाता है, मतलब 3 जून को ये जो व्रत है वो लोग करेंगी। अगर इस दौरान पीरियड्स आ जाता है तो हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें हैं एक दो महीने पहले से ही सारी तैयारी करके रखती हैं, उनको लगता है कि साल में एक बार ये व्रत आता है तो पूरी विधिवत भगवान की पूजा अर्चना की जाए, पूरी विधिवत व्रत रखा जाए और व्रत का पारण किया जाए, साथ ही साथ अपने पति की आयु जो है वो लंबी की जाए। ऐसे में पीरियड्स जो है वो आ जाता है तो बहुत सारी माताएं बहनें जो हैं वो उनका जो मन है वो थोड़ा सा खिन्न हो जाता है या बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कई दफ़ा ऐसे प्रश्न जो हैं वो उनके मन में आते रहते हैं। अगर आप वट सावित्री का व्रत करती हैं और आपको पीरियड्स आ गया है, वैसे तो बहुत सारी माताएं बहनें हैं बोलती हैं कि पीरियड्स के दिन में हमें कितने दिन में पूजा करनी चाहिए, तो मैंने अपने कई सारे वीडियो में बताया है कि जो देवी होती हैं उनकी जो पूजा होती है वो 5 दिन में हो जाती है और जो देव होते हैं उनकी पूजा जो है वो 7 दिन में करनी चाहिए। और अगर आप पूरी साफ़ सुथरा हो जाती हैं पूरी तरीके से तो आप 5वें दिन भी पूजा कर सकती हैं, वो आपके ऊपर है कि आपकी स्थिति जो है वो किस प्रकार से है। तो अगर पीरियड्स आ गया है और आपका व्रत जो है वो वट सावित्री का आपने कर रखा है तो भूल के भी आप इस व्रत को तोड़िए नहीं। जैसे अगर आपके यहाँ पूरा दिन का व्रत रखा जाता है तो आप पूरा दिन व्रत रखिए, नहीं तो जिसके यहाँ पूजा आधा दिन का व्रत रखा जाता है मतलब जब तक पूजा समाप्त ना हो जाए तब तक इस व्रत को किया जाता है, तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप आधा दिन व्रत जो है वो कीजिए। और जो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी सास ननद देवरानी जेठानी जो भी हैं उनसे पूजा की सामग्री बनवा के और जो पूजा है वो करवा दीजिए। अगर ऐसी स्थिति है कि कोई भी आपके यहाँ चढ़ाने वाला या बनाने वाला नहीं है, कई दफ़ा बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो माताओं बहनों के आते हैं कि दीदी हमारे घर में आसपास या कहीं भी किसी भी तरीके का कोई जो इंतज़ाम है वो नहीं हो पा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपके पति जो हैं वो कर सकते हैं पूजा तो किस प्रकार से आपको चने और जो बतासे हैं वो चढ़वा देने चाहिए वट वृक्ष के नीचे। अगर ऐसी स्थिति है कि वो भी नहीं जा पा रहे हैं वो भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो वट का जो फल होता है या मैं कहूँ कि कोप होती है जो खाई जाती है, जो निगली जाती है, खाई नहीं जाती है, निगली जाती है चनों के साथ में, मतलब जो भीगे हुए काले चने होते हैं वो और जो एक कोप होती है वो निगली जाती है, तो आप क्या कीजिए चनों कोप जो है वो किसी से मंगवा लीजिए और चने के साथ में जो है वो अच्छे से नहा धो के और मानस पूजा कीजिए, मतलब मन से भगवान को बोलिए कि प्रभु मैंने जो भी चीज़ें हैं वो आपको मन से अर्पित कर रही हूँ, मन से आपका ध्यान कर रही हूँ, आपकी विधिवत पूजा जो है वो मन से ही कर रही हूँ, लेकिन इस बार स्थिति ऐसी है कि मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे व्रत को पूर्ण कीजिए, मेरे पति की आयु जो है वो लंबी कीजिए और आपको चने और जो
कोप है जो बरगद का मतलब एक तरीके से मैं बताऊं कि फल है, वो खाया जाता है, निकला जाता है, मेरे मुंह से बार बार खाया निकल जाता है, तो माफ़ कीजिएगा मुझे। तो जो निकला जाता है वो आप निगल लीजिए और भगवान से क्षमा प्रार्थी कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। कभी भी व्रत को छोड़ा नहीं जाता है। बहुत सारी माताएं बहनें, मान लीजिए पीरियड्स आ गया है तो उन्होंने सोचा कि चलिए पूजा तो करना ही नहीं है तो इस बार व्रत नहीं रखते हैं, तो आप इस प्रकार की गलती मत कीजिए। क्योंकि एक बार व्रत आप नहीं करेंगे, बीच में एक बार छोड़ दिया, क्योंकि ये देखिए ये तो प्राकृतिक है, जो पीरियड्स है तो वो प्राकृतिक है, वो तो उसको तो आना ही आना है, लेकिन व्रत को इस बीच में क्यों छोड़ना। आप क्या अगर व्रत रखने का विधान है पूरा दिन तो पूरा दिन व्रत रखिए, और अगर विधान आधे दिन का है तो आधे दिन रखिए, लेकिन चना और जो फल है उसको ज़रूर निकलिए, भगवान को प्रणाम कीजिए और इस प्रकार से अपना जो व्रत है वो पूर्ण कीजिए। कभी भी व्रत को छोड़ने की गलती जो है वो बिल्कुल भी मत कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।